लॉजिक किसी भी क्वेश्चन का सोचने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट इज़ बेसिक मैथ्स एंड सेकेंड इज़ आर ओन थिंकिंग एबिलिटी. कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, हम 5 डेज बाद उस कंसेप्ट को बिल्कुल ही भूल चुके हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए. अब सपोज में आपने क्वेश्चन करे हैं 5, उसने करे हैं 8, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई उसने 8 करे हैं तो मैंने कैसे 5 करे हैं. अब अगले दिन आप खुद फिर 8 करने का ट्राई करेंगे. Hi everyone, in today's video we are gonna discuss how to build logic building in data structures and algorithm. तो किसी भी problem statement के कैसे हम उसको follow करते हैं, कैसे उसका logic build करते हैं, हम उन सब चीज़ के बारे में discuss करेंगे. Generally सबके साथ क्या होता है कि कोई भी problem आप solve करी है तो 2 से 3 week बाद अगर फिर से solve करते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते solve. तो उस चीज़ को कैसे हम लोग ठीक करें, we will be discussing that also. So before starting, I would be just giving a brief introduction about myself. Myself Naman Gupta, I am final year undergraduate at NSIT Delhi. And I'll be joining Microsoft as software developer engineer next year. Logic building अच्छा होने के लिए हम लोगों का concept भी बहुत अच्छी होनी चाहिए उस particular topic के लिए. So सबसे first question आता है कि हम अपने concepts को कैसे strong करें. So there are 3 steps involved in this process. स्टेप 1 इज कि अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी क्यू, तो उसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा कि किस तरह से वो बिल्ड हुई है, मतलब कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से वो बनी है, एंड ऑल्सो क्या हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करके उसको बना सकते हैं. स्टेप 2 वुड बी उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की सारी एप्लीकेशन देखिए कि किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो यूज होती है. स्टेप 3 इज कि उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए. नाउ क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक मेन चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहले कुछ अमाउंट ऑफ इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं. जब हमने कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कॉन्फिडेंस आ गया उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमारे अंदर, तो सेकेंड में हम मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फिर मीडियम प्रॉब्लम्स के बाद हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से 5 इजी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट 3 मीडियम एंड आफ्टर दैट 2 हार्ड प्रॉब्लम्स. सो हम लोगों ने देख लिया कि कंसेप्ट स्ट्रांग होना ना कितना ज़रूरी है. सेकेंड चीज़ जो है वो है कि कोड एज मच एज पॉसिबल. किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर ली, उसका सॉल्यूशन माइंड में सोच लिया एंड ड्राई रन कर लिया या सॉल्यूशन से मैच कर लिया, उसके बाद ये सोच लिया कि हाँ भाई हो जाएगा. इस तरह की अप्रोच कभी नहीं होनी चाहिए. किसी भी क्वेश्चन को हमें हमेशा कोड लिखकर रन करके हमेशा सॉल्व करना चाहिए. एंड उसके बाद भी हम ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट गो में एकदम बेस्ट सॉल्यूशन लिखिए. जो भी सॉल्यूशन आपके माइंड में आ रही है, जो भी अप्रोच आ रही है, उसका यूज़ करके आप लोग कीजिए. एंड आफ्टर दैट आप बेस्ट सॉल्यूशन देख लीजिए एंड ये देखिए कि कहाँ कौन सा कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है जो आप नहीं सोच पाए. ऑल्सो कभी भी आप लोग सॉल्यूशन देखने के लिए मत डरिए. मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि 3-3 दिन 4-4 दिन तक सेम क्वेश्चन पे लगे रहते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखते. वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि हाँ भाई मैं किसी भी हाल में सॉल्यूशन नहीं देखूंगा. तो ये नहीं होना चाहिए. कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ टाइम तक उसको ट्राई कीजिए. बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो हिंट की तरफ प्रोसीड कीजिए. अगर हिंट के बाद भी नहीं हो रहा है देन ऑलवेज सी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखने के बाद उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए एंड उस प्रॉब्लम को फिर अपने आप भी एक बार कोड करके रन करके देखिए. बट उसके बाद भी सिर्फ यही नहीं रुकना है, हम लोग फिर 1 week बाद या 2 week बाद सेम इसी प्रॉब्लम को फिर से कोड करके देखेंगे ताकि हमारा एकदम पक्का हो जाए वो क्वेश्चन. एंड ऑल्सो बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद भी उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिए. बिकॉज हो सकता है कि जो और बेस्ट सॉल्यूशंस हैं उन्होंने कोई ऐसा कंसेप्ट यूज़ किया हो जो आपने कभी सोचा ही ना हो. आप किसी में आप अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा स्पेस और उसी क्वेश्चन को किसी ने बिना एक्स्ट्रा स्पेस के बिट मैनिपुलेशन की मदद से कर रखा है और आप लोग को उसका आइडिया नहीं है. तो इसीलिए सॉल्यूशन तो हमेशा देखना चाहिए. सो हम ऑलरेडी 2 चीज़ देख चुके हैं. नाउ माय 3rd पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, हर कोई भाई कंसिस्टेंसी करता रहता है. कंसिस्टेंसी इज कि भाई आप लोग रेगुलरली सॉल्व कीजिए. कोई भी एक दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने कोड ना करो.
किसी दिन आपको बाहर जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तब भी ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं तो आर्टिकल रीड कर लीजिए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, या कुछ ना कुछ आपको करना ही करना है। अगर वो भी नहीं रीड करना है तो आपने कोई नोट्स मेंटेन कर रखे हों तो ट्राई कीजिए कि वो नोट्स रीड कर लें। सो इस तरह से हम लोगों की प्रैक्टिस हमेशा रेगुलर रहती है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मेंटेन देखिए आपको अपने आप इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कुछ लोग अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं कि भाई 10 डेज की स्ट्रीक हो गई अब मैं ये करूँगा, 20 डेज की स्ट्रीक हो गई अब मैं ये करूँगा। दूसरा आप तरीका कर सकते हैं मन में डर से कि भाई आप लोगों ने क्यों शुरू किया, प्लेसमेंट के लिए शुरू करा है, तो अब ये सोचिए अगर आप नहीं करेंगे तो प्रोबेबली हो सकता है आपकी अच्छी जॉब ना लगे। तो किसी ना किसी तरह आपको कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करके रखनी होगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे। लॉजिक किसी भी क्वेश्चन का सोचने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इज बेसिक मैथ्स एंड सेकेंड इज आर ओन थिंकिंग एबिलिटी। बेसिक मैथ्स जनरली हर कोई कर लेता है, थिंकिंग एबिलिटी हमें खुद इम्प्रूव करनी होती है, एंड वो हम अपने खुद के वेज होते हैं कि कैसे करें। वन ऑफ द वे दैट आई कैन सजेस्ट इज कि पजल सॉल्व कीजिए। अदर देन दैट ऑल्सो मेक श्योर कि सोचते टाइम कभी भी डायरेक्ट कोड नहीं करना है। आप हमेशा अपने साथ पेन एंड पेपर रखें, जो भी आपकी अप्रोच माइंड में आ रही है उसको पहले नोट डाउन कीजिए पेपर पे, एक रफ अप्रोच बनाइए, एंड ऑल्सो ड्राई रन कीजिए कि ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, या हम अगर इसमें कुछ चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें आप कोड करने से पहले ही पेपर पर कर लीजिए। जब आपको बिल्कुल हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल हम मेरी फाइनल अप्रोच है, उसके बाद आप कोड की तरफ मूव कीजिए। सो हमने कुछ अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं कि हम कैसे अपनी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बल्कि कुछ की नहीं काफ़ियों की होती है कि हमने आज कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, हम 5 डेज बाद उस कंसेप्ट को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो आई सजेस्ट कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए वो कंसेप्ट या उन क्वेश्चंस के जो आप बार बार भूल रहे हैं। शॉर्ट में लिख लीजिए कि उस टाइम आपने क्या सोचा, कैसे अप्रोच करा और सब चीज़। उसके बाद उसको रिवाइज करते रहें। जैसे कि आपने आज कोई कंसेप्ट पढ़ा है, आप ट्राई कीजिए कि कल उसको 10 मिनट्स देकर एक बार रिवाइज कर लें, फिर 4 से 5 डेज बाद फिर एक बार रिवाइज कर लें, फिर 10 डेज बाद फिर एक बार रिवाइज कर लें। जब आप किसी भी चीज़ का 3 से 4 बार रिविजन कर लेते हैं तो इतनी ईजिली उसको नहीं भूलते हैं, एंड उसी तरह से आपके वो कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो कोडिंग स्किल्स है, हमारा लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाए? वन ऑफ द पॉसिबल वे इज़ अपने लिए एक हेल्दी कॉम्पिटिशन ढूंढिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने एक फ्रेंड के साथ सोचा है कि आप इसके साथ अपनी कोडिंग करेंगे, तो उसके बाद एंड ऑफ डे जो होता है हमारा, उसमें आप लोग डिस्कस कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, उसने कितने क्वेश्चंस करे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। अब सपोज़ मैं आपने क्वेश्चन करे हैं 5, उसने करे हैं 8, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई उसने 8 करे हैं तो मैंने कैसे 5 करे हैं। अब अगले दिन आप खुद फिर 8 करने का ट्राई करेंगे, एंड वो 8 से फिर 10 तक पहुँच चुका होगा। तो धीरे धीरे इस तरह से एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है और आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कोडिंग स्पीड भी इससे इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे? कई कोडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों को साथ में कोडिंग करने के लिए चांस देते हैं, वो प्रॉपर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। उसमें क्या है कि आप दो फ्रेंड अगर सपोज में कर रहे हैं, दोनों को सेम टाइम पे सेम क्वेश्चन मिला है, अब दोनों आप ट्राई करेंगे कि मेरा पहले हुए क्वेश्चन सॉल्व, वो ट्राई करेगा उसका पहले हुए क्वेश्चन सॉल्व, तो इससे आपका जो कोडिंग का स्पीड है वो ऑफकोर्स इंक्रीज होगी और लॉजिक जो आपका बिल्ड होता है उसकी भी स्पीड इंक्रीज होगी। अब आप लोग का और क्या बेनिफिट होगा इससे? अब आपने हो सकता है किसी और कंसेप्ट की मदद से वो सॉल्व किया हो, उसने हो सकता है किसी और कंसेप्ट की मदद से सॉल्व किया हो, तो आप दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी अप्रोचेस बता सकते हैं, एंड उससे आप सिर्फ एक क्वेश्चन के कई अप्रोचेस आप लोग को आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो जिनके लिए पॉसिबल हो वो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। नाउ वन ऑफ द फाइनल टिप फ्रॉम माय साइड इज़ कि आप एक पर्टिकुलर एक प्लान डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस ऑर्डर में स्टडी करना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। उससे आपके दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आप किसी भी टॉपिक को 10 दिन तक नहीं पढ़ते रहेंगे, आपको पता होगा कि हाँ इस टॉपिक को इतने में ख़त्म करना है और इसमें ये चीज़ पढ़नी है। सेकेंड इज़ कि आप एकदम एक सही ऑर्डर में चलेंगे।
ऑल्सो हम अगर एक रोड मैप ही डिसाइड कर लें कि हाँ हमें यही फॉलो करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। अब सपोज में आज कहीं से पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करता है। तो आप एक बारी में सोच लीजिए कि आपको कहाँ से स्टडी करना है एंड उसके बाद उसी को एंड तक फॉलो कीजिए। तो गाइस, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें एम्पल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग एफर्ट्स डालेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, किसी भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप उस खुद को क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, या आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या किस तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है। एंड ऑल्सो ट्राई कीजिए कि आप रेगुलरली खुद को पुश करिए। सो एट लास्ट आई वुड से कि अगर आप लोग को ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए एंड आई गारंटी कि आपको 6 to 7 months में खुद में एक डिफरेंस दिखने को मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको पसंद आई हो सो डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपके पास कोई ऐसी और कोई टिप हो जो और लोगों को हेल्प कर सकती हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो दैट्स इट, थैंक यू।